प्यारे बच्चों, अब हम कहानी सुनेंगे वक्त की कदर। एक किसान का बेटा खेलकूद में वक्त को बेफायदा गवाया करता था। बाप ने बहुत समझाया मगर इसने अपनी आदत ना बदली। आखिर बाप ने सोच कर ही तरकीब निकाली कि बसंत के दिन सुबह के वक्त बेटे को अपने साथ खेत पर ले गया और कहा, बेटा आज के दिन जिन सबसे अच्छी बालों के दाने हम खेत में से तोड़कर रख लेंगे, उस एक दाने से कई कई पौधे हो जाएंगे। मगर शर्त यह है कि खेत में सीधे निकलते और तोड़ते चले जाओ, पीछे मुड़कर तोड़ने का हुक्म नहीं। अब तुम खेत में जाकर 7-8 सबसे अच्छी बाले तोड़ लाओ। लड़का शौक से खेत में चला गया जहां बहुत सी पकी हुई बाले आमने सामने दाएं बाएं मौजूद थी। मगर इसने ये समझ कर कि आगे इसे और भी अच्छी मिलेंगी, कोई बाल न तोड़ी, यहाँ तक के दूसरे किनारे तक जा पहुंचा जहाँ अभी कुछ कच्ची बालें थी। जी में आया कि फिर खेत में जाकर अच्छी बालें तोड़ लाएं, मगर पीछे मुड़कर ना देखने की शर्त हो चुकी थी। इसलिए पशिमानी के साथ खाली हाथ पलटना पड़ा। बाप ने कहा, बेटा क्या कोई भी अच्छी बाल तुम्हें नजर नहीं आई? इसने जवाब दिया, खेत के इस किनारों की बालों में तो एक से एक अच्छी थी, मगर मैंने ये समझकर कि आगे इससे भी अच्छी मिल जाएंगी, इन्हें नहीं तोड़ा, और इस तरफ की बालें अभी कच्ची थी। बाप ने कहा, नादान लड़के, तूने नादानी से नाहक वक्त खोया, अब तू दोबारा जाकर बाले तोड़ नहीं सकता। बेटे ने अपनी नादानी पर शर्म और अफसोस के साथ सर झुका लिया तो बाप ने कहा, बस यही वक्त की मिसाल है बेटे, जो एक दफा आकर फिर कभी हाथ नहीं आता। दाना वही शख्स है जो हर वक्त होशा चुनने को तैयार रहे और बेफायदा उम्मीदों में कभी वक्त ना खोए। तो प्यारे बच्चों, देखा, वक्त को कभी नहीं खोना चाहिए और उसकी कदर करनी चाहिए।